The spiritual man judges all things, even his judgments. Even his judgments. जज करने के पहले वो खुद जज करता है कि जज करना चाहिए कि नहीं, कि ये वाला केस मेरा कोर्ट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या ये वाला केस मेरा कोर्ट के लिए नहीं है, नहीं है, या नहीं कोई केस नहीं मिल रहा था, हम देंगे अपना राय। रोमियो का 8:5-6, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, आध्यात्मिक यानी कि आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। वह 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो अगर हमारा मन शरीर की बातों पर है तो हम लोग शारीरिक प्राकृतिक मनुष्य हैं, और अंत में मृत्यु, हम लोग का आत्मा मर रहा है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, जीवन, आत्मा पर मन लगाना जीवन। यीशु ने कहा मेरे बातें, मेरा वचन स्पिरिट एंड लाइफ, दैट जॉन 6:63, हाँ, मेरा वचन आत्मा और जीवन है। वचन जीवन है, और यहाँ पे जो आत्मा पर मन लगाया है उसको जीवन मिलेगा, यानी कि द वन हु इज फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल थिंग्स, आत्मिक चीजों पे जो ध्यान दिया हुआ है, रेगुलरली हियरिंग फ्रॉम गॉड। आई शो यू समथिंग अबाउट पॉल, पहला, नो आई थिंक इट्स 2 Corinthians chapter 11, Second Corinthians 11, verse 24. और पहले, हाँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में बढ़ते जाओ। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाए, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैं समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगलों के जोखिमों में, समुद्रों के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में रहने, उपवास मतलब खाना नहीं मिला, राइट, नेक्स्ट, और बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता हूं, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन, व्हाट कम्स अपॉन मी डेली, केयर ऑफ ऑल द चर्चेस। ये सब सर्कमस्टेंस में मेरा मन क्या पे है, आत्मिक चीजों पे है। थिंकिंग अबाउट द चर्चेस, आई एम थिंकिंग अबाउट माय कॉलिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट बीइंग अ स्पिरिचुअल फादर, दैट इज, वो सब कुछ इन दैट वन फ्रेज इज ऑल दैट इज देयर, सब कुछ इन ऑल दो सर्कमस्टेंसेस। ये मतलब चाहे जो भी इस मनुष्य के खिलाफ फेंक दो, उसका मन बना हुआ है आत्मा में, आत्मा की बातों में ही बना हुआ है, माइंड इज सेट ऑन द स्पिरिट। वैसा व्यक्ति लगातार परमेश्वर का आवाज सुनेगा। शैतान क्या क्या नहीं किया, फिर भी सफल नहीं हुआ उसका मन को परमेश्वर से हटाने के लिए, इसलिए वो लगातार सुनते गया, अंत तक सुनते गया। यहां तक ये भी सुना कि तुमको मुकुट तुम्हारा रेडी है, गारंटीड है, तुम्हारा मुकुट फिक्स्ड है। बस नाउ बैक टू रोमन्स 8। अच्छा, मती का 6:32, इसका संदर्भ याद रखिएगा पहले,
क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं. किन सब वस्तुओं? कमन फूडिंग. अगर तुम्हारा ध्यान खाने पे, पीने पे, पहनने पे, फूडिंग, क्लोथिंग, लॉजिंग, ट्रेजरिंग, उसके पहले यहाँ पे अपना खजाना मत डालो, वहाँ स्वर्ग में डालो. सो फूडिंग, क्लोथिंग, लॉजिंग एंड ट्रेजरिंग, ये सब चारों चीज पे अगर हम लोग का मन है, फूडिंग पे, क्लोथिंग पे, लॉजिंग पे, ट्रेजरिंग पे, फूडिंग और क्लोथिंग से मन हटाने के लिए क्या करना है? रोमियो का 12:2, अपना शरीर को एक जीवित बलिदान, शरीर को एक जीवित बलिदान. प्रैक्टिकली नेचुरली हम लोग का माइंड ये सब पे है. नेचुरली हम लोग ये सब चीजों के बारे ज्यादा सोचते हैं. तो क्या करना चाहिए? फास्ट, फास्ट. अगर फूडिंग वाला चीज, अगर फूड ज्यादा हम लोग के मन में चलता है, फास्ट. क्लोथिंग, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला, अगर तुम्हारे पास जो है दे दो. क्लोथिंग से मन हटाने के लिए दे दो. आई यू या आई होप इतना बॉन्डेज नहीं है कि देने के बाद भी सोचते हैं. देन दैट इज रियल डिलीवरेंस केस का जरूरत है कि देने के बाद भी सोच रहे हैं, ठीक से यूज किया, ठीक से नहीं यूज की, मेरा कपड़ा देखो कितना फाड़ दिया है. दीज, ये सब प्रैक्टिकल चीज परमेश्वर बोले हैं ताकि हम लोग का मन हट जाए और आत्मिक चीजों पर बने. लॉजिंग एंड ट्रेजरिंग के बारे क्या? मती का 6:19-20, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं. नेक्स्ट वर्स, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं. याद रखिए, पहले का समय में धन वॉज वेरी लिमिटेड. या तो इट वॉज अ बिग हाउस और इट वॉज गोल्ड एंड सिल्वर. अभी का जमाना में इट्स वेरी डिफरेंट. अभी भी गाड़ी है, अभी अलग अलग किस्म का गाड़ी, अलग अलग किस्म का फोन. यू नो नाउ कि लोग चोरी, जो चोर है वो लोग क्या चोरी करता है? सोना चांदी थोड़ी चोरी करता है, आईफोन्स चोरी करते हैं एंड एक्सपेंसिव फोन्स चोरी करते हैं, राइट? धन अब बहुत वैरायटी का हो गया है. एंड व्हाट इज गॉड सेइंग यहाँ पे? परमेश्वर कह रहे हैं रिगार्डिंग लॉजिंग एंड ट्रेजरिंग कि हम लोग का ट्रेजर वहाँ रहना चाहिए, हम लोग खजाना वहाँ रहना चाहिए. हम लोग जो चीज़ को खजाना मानते हैं, इट शुड ऑल बी स्पिरिचुअल थिंग्स. बाकी ऐसा कोई चीज़ नहीं रहना चाहिए जो यहाँ पे, जिसको हम लोग खजाना मानते हैं. यहाँ पे ऐसा कोई भी वस्तु नहीं रहना चाहिए. अगर घर खजाना है तो लूत की पत्नी को याद करिए. अरे कल ही कर्टन्स बदले थे, देखो जल रहा है. अरे कल ही नया मैट्रेस खरीदे थे. रिसेंटली कैलिफोर्निया हॉलीवुड में ऐसा आग आया, सब एक्टर्स का इतना बड़ा बड़ा मल्टी मिलियन डॉलर होम्स जल गया. वो लोग को जान बचा के निकलना था. वो लोग का जानवर सब ढेर ढेर मर गया. जिराफ उराफ क्या क्या लोग पाल के रख रहे थे. गॉड इज जजिंग. एंड यू सी इंडिया में भी, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. चाहे वो दिल्ली का पोल्यूशन हो, वो सब क्या क्रॉप बर्निंग के वजह से, डोंट टेक एनीथिंग कि ऐसे ही हो रहा है. नो, गॉड वॉन्ट्स टू वेक अप हिज पीपल. चाहे वो केरला में फ्लड्स हो, कोई भी चीज, जस्ट रिमेंबर गॉड इज ट्राइंग टू वेक अप हिज पीपल. गॉड इज ट्राइंग. यू विल रीड ऑफ केसेस, कोई अपना सर्टिफिकेट लाने वापस गया और डूब गया. यहाँ पे कोई चीज को खजाना मत समझिए. सीरियसली, यहाँ पे कोई भी चीज को खजाना के रूप में मत समझिए. अगर है तो यू आर इन डेंजर. क्योंकि यीशु मसीह बोले,
इस संसार का हाकिम मेरे पास आया, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। भाई कहे कि मेरा यहाँ पे कोई खजाना है ही नहीं, आई हैव नथिंग ओवर हियर जिसको हम ट्रेजर बोल सकते हैं, इट्स ऑल देयर। अगर हम लोग का यहाँ पे कुछ खजाना मिला तो वो बोलेगा वो तो मेरा है, और हम उसके द्वारा तुमको यहाँ पे, तुम्हारा मन को यहाँ पे रखेंगे। यू हैव टू हैव टेफ्लॉन कोटिंग। टेफ्लॉन कोटिंग मतलब कोई चीज चिपकेगा नहीं, कोई चीज चिपकेगा नहीं। शैतान फेंक रहा है, कुछ चिपक नहीं रहा है, एब्सोल्युटली नॉन स्टिक। याद रखिए वो सब चीज आपका मन में जगह ले लेगा, आप हम लोग परमेश्वर से साफ साफ सुन नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन आते रहेगा। कोरिंथ का कलीसिया का वही प्रॉब्लम था, ज्ञान में तो बढ़ गए, गिफ्ट्स में भी बढ़ गए। ज्ञान में अब देखेंगे आठवीं अध्याय में लिखा है वो लोग ज्ञान में इतने बढ़े थे, 12 और 14 में लिखा है गिफ्ट्स में बढ़े थे, येट परमेश्वर का आवाज साफ साफ सुन नहीं पा रहे हैं। उनका संगति एक दूसरे के साथ में बुरा बुरा विचारों के साथ एकदम इट वॉज स्टेन्ड, एकदम दाग लगा हुआ था बुरे बुरे विचारों के साथ। उनको बस कन्फेस करना चाहिए था, लेकिन कोई कन्फेस नहीं कर रहा है, कोई रिपेंट नहीं कर रहा है, कोई मेल नहीं कर रहा है। उसके बाद कोई कोई लोग पौलुस का खत पाके रिपेंट किए। ओके, अगर हम लोग आत्मा में नहीं चलेंगे, हम लोग परमेश्वर का आवाज नहीं सुन पाएंगे, राइट? अभी तक हम लोग ये देखें, हम लोग अभी तक ये देखें कि आत्मिक बालक कौन है जो लोग परमेश्वर का आवाज नहीं सुन पाते हैं। नाउ आई वॉन्ट टू सी क्या होता है अगर हम लोग लगातार परमेश्वर का आवाज नहीं सुन पाएंगे। ओके, पहला चीज, जस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवलेशन हम देखने मांगते हैं। पहला चीज हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य का 2 और 3 दोनों अध्याय आत्मिक हकीकत के बारे बताया गया है, चर्चेस का स्पिरिचुअल, बिलीवर्स का स्पिरिचुअल कंडीशन के बारे, ठीक है? अगर हम लोग रेगुलरली पवित्र आत्मा से नहीं सुन रहे हैं, वी विल बी टोटली ओब्लिवियस टू अवर ओन स्पिरिचुअल कंडीशन। आत्मा से सुनने पर ही यूहन्ना को पता चला एक्चुअल स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है। अब हम लोग को कलीसियाओं का अधिकार नहीं दिया गया है, राइट? लेकिन हम लोग को, आई एम स्पीकिंग एज अ जस्ट अ मेंबर, हम लोग को अपना जीवन के बारे तो पता करना है हम लोग का स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है। एंड वो नहीं पता चलेगा हम लोग को, हम लोग धोखा में रहेंगे अपना जिंदगी का अंत तक हम लोग धोखा में रहेंगे अगर आत्मा से हम लोग क्लियरली सुन नहीं रहे। परमेश्वर का एक दास, वो बताए कि उनको एक दर्शन मिला था कि वो स्वर्ग में परमेश्वर का न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हैं और उनका न्याय किया जा रहा है, प्रतिफल के लिए, उद्धार के लिए नहीं, का उद्धार हो गया था, परमेश्वर के दास विश्वास योग्य थे, उधार हो गया था, लेकिन वो न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हैं और ये देखा जाएगा कि काफ़ी सालों से मिनिस्ट्री में थे और ये देखा जा रहा था कि वो क्या पाने वाले हैं परमेश्वर से इनाम के रूप में। और उनके मन में आ रहा था क्योंकि वो जान रहे थे ये इनाम के लिए न्याय हो रहा है, कि कैसे पौलुस को, पौलुस जानता था कि उसके लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। तो तब वो देखे एक स्वर्गदूत आ रहा है और वो स्वर्गदूत का हाथ में एक तो बड़ा सा शवल है, राइट? और वो शवल लेता है और इस व्यक्ति के अंदर में डालता है, परमेश्वर का दास के अंदर में वो शवल को डालता है, उसको ये दर्शन दिखाई दे रहा है और निकालता है, और उसका मिनिस्ट्री, उसके सारे काम है उस शवल में, राइट? और परमेश्वर का भट्टी में, परमेश्वर का आग का फर्नेस में वो डाल रहा है, राइट? लिखा हुआ है सब कुछ आग से जांचा जाएगा, आग से ताया जाएगा कि वो क्या चीज का था, घास फूस काट, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, राइट? तब कुछ देर के बाद वो फिर वो शवल को डाला वो ऑल्टर, वो फर्नेस में, और निकाला, और तब परमेश्वर का न्याय के सिंहासन के सामने जहां पे ये खड़ा था परमेश्वर के सामने, उसके सामने दिखाया और वो देखा सब कुछ राख हो गया था, सब कुछ राख हो गया था। जब तक हम लोग परमेश्वर का आवाज से नहीं चलेंगे, जब तक हम लोग परमेश्वर का आवाज से नहीं चलेंगे, हम लोग को लगता रहेगा कि हम तो सोना का बना रहे हैं, हम तो चांदी और बहुमूल्य पत्थर का बना रहे हैं, और बस हम लोग उस दिन के लिए रुके हैं जब हम लोग चौंक जाएंगे और देखेंगे सब कुछ राख हो गया था। इसलिए लिखा हुआ है बहुत लोग देयर बी टीयर्स, और यीशु मसीह को आंसू पोंछना पड़ेगा, भाई वन ऑफ दीज इज द रीजन, आंसू पोंछना पड़ेगा। क्यों? स्वर्ग में कहां से आंसू आए?
Some will wake up to glory, some will wake up to shame. कोई कोई लोग महिमा के लिए जाग उठेंगे, दानियल में लेकर कोई कोई लोग शर्म लज्जित होंगे. वाई इज देयर शेम? नॉट बिकॉज ऑफ सिन, पाप के वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ अनबिलीफ, अविश्वास के वजह से, कि वी डिड नॉट बिलीव और हम लोग विश्वास के अनुसार काम नहीं किए. हम लोग विश्वास नहीं किए कि हम लोग ताए जाएंगे आग से. कि याद रखिए, हर एक वन थिंग कॉमन हर एक ऑफरिंग में, पुराना नियम का हर एक ऑफरिंग में एक चीज कॉमन था, आग. आग, सब कुछ आग से ही, ओनली बाय फायर. एंड हम लोग जो भी डाल रहे हैं, इट विल ऑल बी टेस्टेड बाय फायर. आग से ही परखा जाएगा, आग से ही ताया जाएगा. तो ये कोई छोटा मैटर नहीं है, कोई खेलने का मैटर नहीं है. ये बस एक ज्ञान का मैटर नहीं है, क्योंकि चाहे आज हम लोग जितना भी कॉन्फिडेंट होंगे अपने आप में, अपने मिनिस्ट्री में, उस दिन वो सारा कॉन्फिडेंस एक आग का भट्टी के सामने मोमबत्ती जैसा गल के खत्म हो जाता है, वैसा हो जाएगा हम लोग का कॉन्फिडेंस. दूसरा चीज जो हम लोग को मिलता है, पहला चीज हम लोग को अपना स्पिरिचुअल कंडीशन पता चलता है. वो है प्रकाशित वाक्य का 2 और 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि स्पिरिचुअल कंडीशन, आत्मिक असलियत उनको पता चला. उसके आगे चौथा अध्याय 1 और 2, चौथा अध्याय का पहला और दूसरा पद, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है. नेक्स्ट वर्स. और तुरंत मैं आत्मा में था. आत्मा में रहेंगे, पहला चीज आपको अपना आत्मिक असलियत पता चलेगा. बट यू हैव टू रिमेंबर, उसके लिए हम लोग ये जो आत्मा में बढ़ना चाह रहे हैं, बस बालक नहीं रहना, क्योंकि हु आर मेच्योर आर दोस हु आर जजिंग एवरीथिंग. आई एम नॉट सेइंग कि कभी कभी हम लोग से मिस्टेक नहीं होगा, नहीं, बट वी विल कॉन्स्टेंटली बी हैविंग दैट एटीट्यूड आत्मिक मनुष्य का जो सब कुछ जांचता है, राइट? तो पहला चीज उसको आत्मिक असलियत परमेश्वर उसका बताएंगे. दूसरा चीज आने वाली बातें. फर्स्ट वर्स में लिखा हुआ है वो बातें जो तुरंत होने वाले हैं, आने वाली बातें. नाउ वी विल थिंक कि ये इतना जरूरी क्यों है, बट इट इज. हम लोग देखेंगे ये सब क्यों. आत्मा हम लोग को ज्योति देगा, विशेष डायरेक्शंस देगा, दिशा देगा, बताएगा हम लोग को एग्जैक्टली क्या करना है. पुराना नियम भरा हुआ है, दाऊद को बताया गया था, यहोशू को बताया गया था कैसा युद्ध करना, एक एक चीज उनको स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिया गया था. हम लोग बिना ये समझ का नहीं जी सकते हैं. हम लोग को वो स्पेसिफिक विशेष डायरेक्शंस का ज़रूरत है, और ये सब को नेग्लेक्ट करेंगे तो हम लोग ध्यान नहीं देंगे. वचन में लिखा हुआ है वॉच एंड प्रे, जागते रहो. नॉट जस्ट जागते रहो, बट लेकिन यू शुड हैव स्पिरिचुअल साइट, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का ज़रूरत है. और अगर हम लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग ये अपना सीरियसनेस को हम लोग खो देंगे. परमेश्वर के राज्य के विषय में हम लोग अपना सीरियसनेस को खो देंगे, और फाइनली यीशु मसीह का दूसरा आगमन हम लोग के लिए बस एक सिद्धांत रह जाएगा हमारे मन के लिए, और एक मेजर फैक्टर नहीं रहेगा हम लोग का डिसीशन मेकिंग के लिए. इट विल नॉट बी अ मेजर फैक्टर इन डिसीशन मेकिंग. यीशु मसीह बोले नूह के समय और लूत के समय क्या हो रहा था, खाना पीना, शादी करना, शादी में देना. और यीशु मसीह का आगमन वैसे ही होगा, यानी कि क्या, द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट विल बिकम जस्ट अ डॉक्ट्रिन, बस मन में एक सिद्धांत के जैसा रह जाएगा, और हम लोग का डिसीशन मेकिंग में इट विल हैव नो रेलेवेंस. कोई भी फैक्टर नहीं करेगा यीशु मसीह का आगमन. जस्ट थिंक अबाउट इट वन मोमेंट के लिए. अगर यीशु मसीह अगला महीना आने वाले हैं, आई एम नॉट सेइंग, लेट्स से ही इज कमिंग जनवरी 1st और डिसंबर 31st,
what are the things you will change in your life? क्या क्या निर्णय लेंगे, क्या क्या बदलाव करेंगे? तो क्यों नहीं किए हैं? बिकॉज इट इज जस्ट अ डॉक्ट्रिन. क्योंकि कहीं ना कहीं और कुछ हद तक अभी भी और काफी हद तक अभी भी यीशु मसीह का दूसरा आगमन हम लोग के मन में अभी भी बस एक सिद्धांत है, बस एक सिद्धांत है. लेट मी जस्ट टॉक अबाउट पेंटिकॉस्टल चर्चेस. अगर पेंटिकॉस्टल चर्चेस को ये पब्लिक ज्ञान दिया गया यीशु मसीह आ रहे हैं January 1st को, कैन यू इमेजिन दिसंबर में क्या कॉन्ग्रीगेशन कितना भरा रहेगा? राइट, फॉरगेट अदर डिनोमिनेशंस. हम लोग खुद नहीं विश्वास करते हैं. जो हम लोग दूसरा को उंगली दुखा के बोलते हैं अरे डेड डेड डेड, खुद नहीं विश्वास करते हैं हम लोग. खुद ये सब चीज़ बस एक सिद्धांत बन गया है मन में और दिल से. हम लोग कोई भी लाइफ में निर्णय बदल नहीं रहा है. यीशु मसीह के आगमन के विषय में पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है. पुराना नियम में तो हाय उस पे जब जो परमेश्वर के वो दिन में पकड़ाया जाएगा. क्या क्या अलग अलग चीज लिखा हुआ है. क्यों? और ये सब चीज़ हम लोग सीरियसली ले लेते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट बिलीवर्स. हम लोग ये बस चीज़ एक डॉक्ट्रिन रह गया. हम लोग ज्योति में सो रहे हैं. हम लोग एब्सोल्युटली अनकॉन्शियस है जो हो रहा है. ऐसे विश्वासियों के बारे एफिसियों में लिखा हुआ है, जागो, जो सो रहे हो जागो ताकि मसीह का ज्योति तुम पे चमके. विश्वासियों को लिखा गया है, वो लोग सो रहे हैं. जो व्यक्ति हम लोग जब उठते हैं तो हम लोग पहला चीज क्या करते हैं, पहला चीज क्या देखते हैं, पहला चीज क्या खोजते हैं? उससे भी पहले, फर्स्ट थिंग व्हाट कम्स इनटू योर माइंड व्हेन यू ओपन योर आईज, नॉट लाइट, टाइम, राइट? बिफोर वी वॉश आवर फेस, बिफोर हम लोग लाइट ऑन करते हैं. ठीक है, इफ यू वेक अप बिफोर, या अगर अलार्म से उठते हैं तो यू नो योर टाइम. बट द फर्स्ट थिंग इज विच कम्स इनटू योर माइंड, इवन अगर अलार्म बजता है, फर्स्ट थिंग कम्स इनटू योर माइंड 6 बजे है, 5:30 बजे है, 7 बजे, वॉट एवर योर अलार्म इज. पहला चीज वी गेन कॉन्शियसनेस ऑफ इज टाइम. एंड जो विश्वासी सो रहा है क्या नहीं जान रहा है? क्या समय है? समय के विषय में अज्ञान है. I'm not talking about 7 o'clock, 8 o'clock. I am talking about that यीशु मसीह जो बोले, you can interpret all this. तुम घड़ी को देखना जानते हो, weather forecast जानते हो, but you don't know spiritually क्या time है. This was the time of your visitation, Israel. Israel, ये तो वो मुलाकात का समय था और तुम जाने नहीं कि तुम्हारा मुलाकात का घड़ी कब आया और कब चला गया. 335 साल मुलाकात का समय था, उनमें से स्पेशली 3.5 साल तुम लोग के लिए मुलाकात का समय था. लेकिन क्या वो लोग जाने? नहीं जाने. जो विश्वासी सो रहे हैं वो लोग, और जो बालक हैं जो आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, वो लोग जिस समय में हम लोग जी रहे हैं नहीं जान पाएंगे. जो आत्मा का घड़ी बदलते जा रहा है, पार होते जा रहा है समय, नहीं जान पाएंगे. दे विल जस्ट नॉट नो. क्या आप जब सोते हैं कि हम लोग को पता चलता है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे? नहीं पता चलता है हम लोग को, नहीं पता चलता है. अगर आप लाइट स्लीपर भी हैं तो भी आपको शायद पता चल जाए कि लोग क्या कर रहे हैं और कि कोई आया कमरा में, कोई गया. बट यू डू नॉट नो अबाउट टाइम. एंड स्लीपिंग बिलीवर्स आर नॉट कॉन्शियस अबाउट टाइम. Spiritual times, they don't know what is happening, what is going to happen. वो लोग situations को interpret नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि प्रभु क्या कर रहा है और क्या करने वाले हैं. शरीर के अनुसार चल रहे हैं. They have no clue, no clue. प्रकाशित वाक्य का 3:1 में लिखा हुआ है, जाने का जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है तुम्हारे पास एक नाम है कि तुम जिंदा हो लेकिन तुम मरे हुए. 16:17 में लिखा हुआ है, 3:16 और 17 में लिखा हुआ है,
या तो गर्म या तो ठंडा, लेकिन क्योंकि तुम गुनगुना हो तो हम तुमको उगल देंगे। तुम नंगे हो, तुम गरीब हो, वो लोग अपना स्पिरिचुअल कंडीशन के विषय में वो लोग अज्ञान थे। 2:14-15 और 2:20 में लिखा हुआ है, एक येजिबेल जो अपने आप को एक भविष्यवक्ता कहलाती थी, कोई कोई लोग बलाम का टीचिंग सुन रहे थे, कोई कोई लोग निकोलेशियंस का टीचिंग को सुन रहे थे, क्योंकि ये लोग जब हम लोग आत्मा में नहीं चल रहे हैं, हम लोग को मालूम नहीं पता चलेगा कौन एक्चुअली ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड है, कौन नहीं है, कौन सा डॉक्ट्रिन परमेश्वर की ओर से है, कौन सा बिलाम की ओर से। इट इज़ नॉट हेड नॉलेज, यू नो, बिकॉज हेड नॉलेज क्या करता है ना, हेड नॉलेज बड़ा बड़ा नाम को अलग कर देता है, वो नाम के अनुसार अच्छा ये मतलब गलत है। लेकिन दिल ही पहचान पाएगा, वो परख का आत्मा ही पहचान पाएगा, चख चख के कि क्या परमेश्वर की ओर से है क्या नहीं। प्रकाशित वाक्य का 2:4 में लिखा हुआ है कि वो लोग को मालूम भी नहीं था कि उनका दिल ठंडा हो गया था, जो भी उनका काम बरकरार बना हुआ था, लेकिन उनका दिल परमेश्वर के लिए ठंडा हो गया था। ये सब तभी पता चलता है अगर हम लोग आत्मा में जगह गए। नाउ रिगार्डिंग टाइम्स, दूसरा राजाओं का 6:32-33, तो कोई अगर पहुंच गया तो पढ़ ले, इसका डिस्प्ले थोड़ा सा दो। अपने घर में बैठा हुआ था, हाँ, और कुनीब उसके संग बैठे थे। ओके, अतः जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने कुनीब से कहा, देखो इस कुनीब के बेटे ने, देखिए उस राजा एक दूत को भेजता है, मारो एलिशा को, तंग आ गए उससे। उसका वो दूत का आने के पहले, वो सिपाही का आने के पहले, इसको एलिशा बोलता है कि पढ़े, देखो इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरे सिर काटने के लिए भेजा है, इसलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके रुक के रहता, क्या उसके स्वामी के पांव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती। हाँ, यू सॉ दैट, और उसके बोलते बोलते ही वर्स 33 में लिखा हुआ है कि वो आ गया, राइट। आत्मा पहले से ही बता दिया एलिशा को क्या खतरा आने वाला है, और तब एलिशा क्या किया, दरवाजा बंद पूरा फुल फोर्स के साथ। प्रेरितों का 20:29-31, चैप्टर 20:29-31, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। ये सब वर्स 29, इसको मालूम था, आत्मा बता दिया था इसको कि पौलुस अभी जा रहा है वहां से, उस कलीसिया से, और तुरंत उनके बीच में से ही भेड़िया आएंगे। पौलुस के समय नहीं काम किया कर पाया, क्योंकि पौलुस काफी एक स्ट्रिक्ट पास्टर था और वो फाटक को प्रोटेक्ट करते गया, और वो कह रहा है अब हम जाएंगे और तुरंत वो लोग आने की कोशिश करेंगे। यू नो, यू सी दिस इन क्रिकेट, बॉलिंग टीम बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन आउट नहीं हो रहा है, सेट हो गया है, सेंचुरी मारा, थक के जब आउट हो गया ना, जो मेन बॉलर्स को चौका छक्का मार रहा था वो फाइनली आउट हो गया ना, अब न्यू बैट्समैन आया है, वापस वही बॉलर्स को ये लोग लाएंगे जो लोग बहुत बिटाया था पहले, अपना मेन बॉलर्स को लाएंगे फिर से, भाई न्यू बैट्समैन है, पुराना वाला ठीक है हम लोग को बहुत मारा, लेकिन अब फिर से ये नया बैट्समैन है, इसको चलो हम लोग दिखाएंगे। दैट्स व्हाट हैपेंस, दुश्मन फिर से, पौलुस हैंडल कर पाया दुश्मन को, अब ये लोग जान रहे हैं, अब शैतान जान रहा है, पौलुस जा रहा है, अब जैसे नया व्यक्ति आएगा पूरा अटैक शुरू होगा, पूरा फुल फोर्स मेन बॉलर्स वो लोग लाएंगे अटैक करने के लिए।
मेन बॉलर्स रहेंगे अटैक करने के लिए, सब जो छुपा छुपे थे, जो लोग काफ़ी समय से बोली नहीं, अचानक से वो लोग आ जाएंगे, जिसको शैतान बचा के रखा था ताकि कोई शक नहीं करे उन पर, अचानक आ जाएंगे। व्हाट इज गॉड सेइंग? यहाँ पे आत्मा कह रहा है कि आत्मा पहले से हम लोग को वार्निंग देगा ताकि वी कैन डिफेंड आर सेल्फ स्पिरिचुअली अगेंस्ट टेम्पटेशन, अगेंस्ट अटैक्स, अगेंस्ट प्रेशर, अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज। यीशु मसीह हमेशा प्रोटेक्टेड थे, पतरस साइड में ले गया और डांटा, यीशु मसीह बोले शैतान मेरे पीछे हो जा, यीशु मसीह हमेशा हिज गार्ड वाज अप। याद है पुराने नियम में एक जवान भविष्यवक्ता था, वो प्रोटेक्टेड नहीं था, एक बूढ़ा आदमी आके उसको बोला अरे मैं भी भविष्यवक्ता हूँ मेरा सुनो, वो गया सुना मरा, ही वॉज नॉट प्रोटेक्टेड। लगातार परमेश्वर का आवाज़ सुनना ज़रूरी है। वो थक गया था, रेस्ट कर रहा था, और जब हम लोग थके रहते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तब आएगा शैतान। जब हम लोग का गार्ड्स डाउन है, जब हम लोग छाया में आराम से बैठे हुए हैं रास्ता के बीच में, उसको बोला गया था रुकना मत जाना, वो जवान भविष्यवक्ता को बोला गया था रुकना मत, तुरंत वापस चल जाना, वो रुका बैठा हुआ था, और वहाँ पर वो बूढ़ा भविष्यवक्ता आया, चलो मेरे यहाँ चलो, और उसको पीछे ले गया और तब वो मर गया। आर यू रियलाइजिंग वाई वी नीड टू हियर रेगुलरली होली स्पिरिट से? एक चीज हम लोग का आत्मिक कंडीशन वो समझाएंगे, दूसरा चीज हम लोग को पहले से बता दिया जाएगा, पहले से समझा दिया जाएगा, पहले से पवित्र आत्मा वार्निंग देंगे पवित्र आत्मा पहले से। इसराइल बचा हुआ था क्योंकि एलिशा बार बार वार्न कर रहा था कि कैसे दुश्मन अटैक करने वाला है। पहला टिमोथी का 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यू सी होली स्पिरिट गिव्स वार्निंग्स, पहले से ही आत्मा समझा देता है कि अभी तुम्हारा लाइफ में प्रॉब्लम का समय आने वाला है, टेम्पटेशन का समय आने वाला है, ट्रायल्स का समय आने वाला है। आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा हम लोग को पहले से ही गार्ड्स अप हम लोग को चिताता है, नहीं तो हम लोग, अगर शैतान हम लोग को बिना गार्ड का पकड़ ले, वी विल गेट डिसीव्ड, हम लोग धोखा खा जाएंगे। सोचिए कितना बार यू हैड एन अनएक्सपेक्टेड अटैक फ्रॉम द एनिमी, अनएक्सपेक्टेड, यू डिड नॉट थिंक वो व्यक्ति धोखा देगा, यू डिड नॉट थिंक कि उसके मुंह से वो इतना नेक का शब्द आएगा, यू डिड नॉट थिंक कि वो व्यक्ति इमोशनली ब्लैकमेल कर देगा। कितना बार हम लोग इमोशनल ब्लैकमेल में गिर जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, वी आर नॉट रेडी। आत्मा हम लोग को बचाना चाहता है, एवरी टाइम हम लोग को प्रिपेयर करना चाहता है, सिखाना चाहता है। वचन में लिखा है वो हमें गिरने से बचा सकता है, ही टू हिम हु इज एबल टू कीप अस फ्रॉम फॉलिंग, वो हमें गिरने से बचा सकता है। वो स्पिरिचुअल वार्निंग्स, वो फिजिकल वार्निंग्स, एक्ट्स चैप्टर 21:10-11। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगाबुस नामे भविष्यवक्ता यहूदिया से आया, उसने हमारे पास आकर पौलुस का पटका लिया, बेल्ट लिया, और अपने हाथ पांव बांध कर पवित्र आत्मा यह कहता है जिस मनुष्य का यह बेल्ट है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। फिजिकल डेंजर के बारे पहले से ही वार्निंग दे दिया गया है। प्रकाशित वाक्य का 2:10, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। पहले से ही बोल दिया गया, ये इनाम नहीं दिया गया, एवरीबडी बी रेडी,
जेल जाने के लिए, बट ये बोल दिया गया है 10 दिन तक जेल जाना होगा, और कुछ लोग मरने वाले हैं, मृत्यु तक विश्वासी रहो, विश्वासी योग्य रहो। यू सी गॉड नोज आर वीकनेसेस ना, वी डोंट नीड टू प्रिटेंड ओवर हियर, नहीं हम कुछ भी सह लेंगे प्रभु आपके लिए। टेल गॉड, लॉर्ड हम डरते हैं, लॉर्ड हमको डर लगता है, डर से डर लगता है। यू टेल गॉड, गॉड विल प्रिपेयर यू। परमेश्वर हम लोग को पहले से तैयार करेंगे, ही प्रिपेयर्स अस पहले से ही मिनिस्ट्री के लिए, पहले से ही ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस के लिए। पहले से ही परमेश्वर हमको बोल दिए थे हिंदी बाइबल पढ़ना शुरू करो, लॉन्ग बिफोर आई केम हियर, आई थिंक 6-8 months पहले, बिफोर आई केम हियर, क्योंकि कुछ टाइम तो मिलना चाहिए ना पूरा बाइबल को पढ़ने के लिए, एटलीस्ट एक बार हिंदी में एक चैप्टर पढ़ के कहेंगे हिंदी में प्रचार करने के। पहले से पवित्र आत्मा बताते हैं, जगह नहीं बोला गया था, बोला गया था हिंदी बाइबल, डोंट एक्सपेक्ट लाइक पूरा फुल मैप दिया जाएगा, देखो यहाँ यहाँ तुमको नहीं, लेकिन पहले से बता दिया जाएगा क्या करना है, क्या करना है। आई डिडंट नीड टू रीड द हिंदी बाइबल टू प्रीच इन हैदराबाद, आई कुड हैव प्रीच्ड इन इंग्लिश, बट आई डिडंट नो उसके बाद क्या होने वाला था। प्रेरितों का 20:23, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है, राइट? जैसे उसको पता चलता हमको यह शहर जाना है, पवित्र आत्मा बोलता है बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। होली स्पिरिट पहले से, गो टू वन वर्स, पहला कुरिंथियों का 13, आई शो यू अ फ्रेज, चैप्टर 16:13, हाँ, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, क्विट यू लाइक मैन, बी अ मैन, बी स्ट्रॉन्ग, वॉट दिस इज वॉट, जब नो दिस इज अ फ्रेज, क्विट यू लाइक मैन बी स्ट्रॉन्ग, कि जब कोई आर्मी लड़ने जा रहा है, कम ऑन बी अ मैन, दैट इज लाइक एन एनकरेजिंग पेपिंग अप वाला फ्रेज है, यू नो, इट्स नॉट गॉट टू डू एनीथिंग लाइक विद जेंडर, इट इज जस्ट मोटिवेट करने के लिए, राइट? एंड वॉट इज द होली स्पिरिट टेलिंग पॉल, सुनो सब जगह याद रखो, बंधन रहेगा, क्लेश रहेगा, बी स्ट्रॉन्ग, गो अहेड। जब ये चीज बोला जाता है आर्मी में, इमीडिएटली कम ऑन दे टफन देमसेल्व्स एंड गो टू वॉर, वैसे ही होली स्पिरिट जब बोल दे रहा है, पॉलुस कह रहा है कि मैं भी अपने आप को मजबूत कर रहा हूं और जा रहा हूं, मैं भी अपना मन को ठान ले रहा हूं और जा रहा हूं। वो है फिजिकल वार्निंग्स। तीसरा चीज फाइनेंशियल गाइडेंस, जेनेसिस चैप्टर 41:28, ये वही बात है जो फिरौन, जो मैं फिरौन से कह चुका हूं कि परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसे वो उसने फिरौन को दिखाया है। नेक्स्ट वर्स, सुन सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। उसके बाद उसको बाद बोलता है, इसीलिए एक समझदार व्यक्ति को चुन लीजिए जो सेविंग शुरू कर लेगा। फाइनेंशियल गाइडेंस पहले से ही, क्यों? समय आने वाला है ना, इमेजिन अगर नहीं मिलता फाइनेंशियल गाइडेंस, पूरा दुनिया मर जाता, पूरा दुनिया खत्म। एंड देयर वॉज वन मैन जिसके पास डबल पोर्शन था, जो लगातार परमेश्वर का आवाज़ सुन रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट, वो डबल पोर्शन को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग दो, सब कुछ त्याग दीजिए,
ताकि परमेश्वर का आवाज लगातार सुन पाए। इलाइशा 18 साल चला इलाइजा के पीछे, जब तक बताए क्या लिखा हुआ उसके बारे में, वो गंजा हो गया। बाइबल में लिखा हुआ गंजा हो गया था, मतलब इतना समय तक डिसाइपलशिप की, फाइनली उसका बाल निकल गया। पता नहीं कितना इरिटेट होगा। फॉरगेट लुक्स, फॉरगेट एवरीथिंग, डबल पोर्शन मिल जाए। नहीं, हमको लोग भैया डबल पोर्शन और लुक्स दोनों साथ, नहीं नहीं। रिसेंटली लास्ट वीक हमको कोई पूछा, वो डबल पोर्शन भी चाहिए, हम उसको इलाइशा का एग्जाम्पल दिए, डबल पोर्शन भी चाहिए बाल भी चाहिए। नहीं, डोंट पुट एनी कंडीशन। जैसे कंडीशन डालेंगे मतलब वी आर नॉट वर्दी, तब हम लोग योग्य ही नहीं है। अब किसी के लिए लुक्स इंपॉर्टेंट, किसी के लिए कोई और चीज इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम लोग को कंडीशन नहीं डालना है परमेश्वर के सामने, तब हम लोग वैसा सुन पाएंगे। प्रेरितों का 11:28-30। उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लोदिस के समय में पड़ा। तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजे, और उन्होंने ऐसा ही किया और बर्नबास और शाउल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। यू सी फाइनेंशियल गाइडेंस, बट इफ आई एम एक्साइटेड, यू नो कि लाइक फॉर एग्जांपल आई एम अ पास्टर, लाइक लेट्स से हमको आज डोनेशन मिलता है, राइट, एंड हम एक्साइट हो गए, चलो अभी बाहर जाएंगे, ट्रीट, डिनर, व्हाटएवर, यू नो आई टेल माय वाइफ कम ऑन आज फाइनली आई ट्रीट यू, व्हाटएवर, एंड व्हेन आई गेट इट, हम मन में या गाड़ी में आई डोंट प्रे लॉर्ड गाइड मी। सी द थिंग इज नॉट कि रेस्टोरेंट में खाना पाप है, नो दैट्स नॉट द पॉइंट, यू नो यू कैन डू दैट, नॉट अ प्रॉब्लम। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा बोलेगा मत जाओ, हम वो सब कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट गॉड इज सीइंग कि जब हम तुमको कुछ ब्लेस करते हैं, तनख्वाह मिलता है, डू यू प्रे एंड आस्क माई गाइडेंस। जब प्लेंटी आता है हम लोग के हाथ में, जब बहुतायत आता है हाथ में, कैन गॉड ट्रस्ट अस, बिकॉज इट इज जस्ट, इट इज नॉट कि खर्चा करना गलत है, इट इज लाइक कैन गॉड वॉक विथ अस, क्या परमेश्वर हम लोग के साथ चल सकते हैं या नहीं। इट वॉज जस्ट अ टेस्ट कि लॉर्ड, कि हम बस देख रहे थे कि तुम पहले मुझसे पूछोगी या, और ये मानोगे, वचन में लिखा हुआ है कि सोना और चांदी परमेश्वर का है, कि अच्छा इतना थोड़ा सा तो मेरा है, या कि पूरा परमेश्वर का है। और अगर इफ वी प्रूव आर सेल्फ फेथफुल, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि परमेश्वर हमेशा बोलेंगे खर्चा मत करो बचाओ, लेकिन अगर हम लोग विश्वास योग्यता से पूछने में विश्वास योग्य रहे, सुनने में विश्वास योग्य रहे, आई एम टेलिंग यू वी विल हैव दैट डबल पोर्शन अनॉइंटिंग, क्योंकि वी आर ट्रीटिंग मनी एज लॉर्ड इट इज योर्स, इट इज योर्स, इट इज योर्स। इट्स अ वेरी गुड हैबिट टू डेवलप सिंस, जब से हम उधार पाए, आई वॉज इन हैदराबाद, राइट, तो हमको पेरेंट्स अलाउंस भेजते थे, क्या करते थे, बेड के ऊपर रखते थे, घुटना टेकते थे, प्रेयर करते थे, योर्स योर्स, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, एंड गाइडेंस वुड कम। नो आई एम नॉट सेइंग कि अचानक से हवा आएगा खिड़की से एंड यू विल हियर समथिंग, बट गॉड विल स्टार्ट गाइडिंग यू वचन के द्वारा, सर्कमस्टेंस के द्वारा, मन बदलेगा, मन में बोझ डालेगा, ऐसा करके परमेश्वर गाइड करना शुरू करेंगे, बहुत और स्ट्रॉन्ग होल्ड तोड़ेगा, अलग अलग चीज, अलग अलग चीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग के अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, सोशलिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है, सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मार्क्सिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या होता है, कि हम लोग देखते हैं और हम लोग बोलते हैं कि जो जरूरतमंद है उसको मदद करेंगे, राइट, बिकॉज मार्क्सिज्म मीन्स इक्वालिटी,
equality, no? Take from the rich, give to the poor. Right? Okay, that's a Marxist stronghold. God bolte hain, you listen to me. Kyunki kabhi kabhi God says, yes, care for the poor. Kahin kahin pe God says, parishram karne wale, jo bell, kya? Haan, jo garib bell hai, usko dene likha gaya hai. Nahi, yani ki, some places, I know God specifically said, don't look at उसके पास है या नहीं है, लुक अगर वो व्यक्ति परिश्रम कर रहा है या नहीं कर रहा है, नॉट नीडी है कि नहीं है, लेबर कर रहा है कि नहीं. एंड दैट वॉज अ डिफरेंट थिंग उस समय मेरे लिए, यू नो, बिकॉज दैट ब्रोक वन स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरे अंदर. क्योंकि एवरी टाइम हम नीडी नहीं, बाइबल में भी लिखा है कि जो जरूरत है उनको मदद करना है, बट ऑलवेज नेग्लेक्टिंग जहाँ पे लेबर हो रहा था, जहाँ पे, और जहाँ पे लेबर हो रहा है वहाँ कैपिटल नहीं जा रहा है. एंड देन आई रियलाइज दिस इज रॉन्ग, यू नो. एंड बट ये सब कैसे होगा जब हम लोग परमेश्वर के सामने सब कुछ को रखेंगे, एंड वी विल से गॉड लीड मी, गॉड गाइड मी, और तब हम लोग का फाइनेंशियल माइंड परमेश्वर उसको भी बदलेंगे. क्या बचाना है, कितना खर्च करना है, कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है. बहुत सारे जगह हम डोनेशन दे देना छोड़ दिए और वो पैसा कहीं और डालना, कहीं और किसी और को देना शुरू कर दिए. वाई आई रियलाइज हम बिना गाइडेंस का दे रहे थे. अगुवाई होगा, वी हैव टू बिलीव कि परमेश्वर बात करेंगे. पहला चीज हम लोग को विश्वास करना है, शायद कुछ गलती हो सकता है मेरे अंदर, शायद मेरा डिसीजन मेकिंग शायद गलत हो सकता है. और तब एक एक चीज में गॉड विल गाइड. गॉड विल टेल यू, अरे आई एम नॉट मार्क्स. God will tell you, I am not even a capitalist. I am Jesus Christ. Capitalist लोग बोलेंगे, ये देखो, वो लोग परिश्रम नहीं कर रहे हैं, don't waste your money. They don't have talent, they don't have gift, they don't have anything, don't waste your money. जहाँ परिश्रम है बस वहीं दो. अब एंड यू नो एंटीओक कैपिटल बन गया था, मेन परिश्रम चल रहा है एंटीओक में. एंड अब वो लोग धीरे धीरे कैपिटल शिफ्ट हो रहा है. एंड अब वो लोग, क्योंकि इसके बाद यू विल सी एंटीओक कैपिटल बन जाता है, कैपिटल इन द सेंस हेडक्वार्टर्स ऑफ द चर्च, चर्च का हेडक्वार्टर्स बन जाता है, नॉट जेरूसलम. उसके बाद जेरूसलम साइड में हो जाता है. एंड नाउ मेन हेडक्वार्टर्स बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे दो लोग आ गए हैं, सॉल एंड बार्नबास, मतलब पॉल एंड बार्नबास, एंड इट बिकम्स द मेन एरिया. एंड तब जब अपोस्टल जेम्स का डेथ होता है, तब एंटीओक कैपिटल बन जाता है, वहाँ पर स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स बन गया गॉड के लिए. इट्स अमेजिंग, यू नो, क्या क्यों लगातार वहाँ पे लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं. एंड क्यों सुन पा रहे हैं? रोमियो का 12:2, अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में सौंपो और मन के नए होने से चाल चलन बदलता जाए, ताकि परमेश्वर का इच्छा सिद्ध भला भावता और सिद्ध इच्छा को मालूम करते जाओ अनुभव से. राइट, ये लोग को परमेश्वर का, ये लोग सरेंडर किए थे, इसलिए परमेश्वर का इच्छा सुनाई दे रहा है, परमेश्वर का आवाज़ सुनाई दे रहा है. अगर हम लोग सरेंडर करेंगे, वी विल हियर द वॉइस ऑफ गॉड. सरेंडर करना, खुद को जज करना, मनी को जज करना, सब कुछ, खुद का खर्च करने का एटीट्यूड को भी जज करना, सब कुछ. समटाइम्स गॉड विल मे टेल यू टू स्पेंड. I'm not saying he will always tell you to save. No, sometimes he'll tell you to spend. Sometimes he'll tell you, तुम ज़्यादा ही कंजूस हो. नबल कंजूस था, बहुत था, कंजूस था उसके, वो बहुत कुछ में, you know, God will change us. क्योंकि हम लोग का अपब्रिंगिंग अलग अलग है, right? और सब कुछ परमेश्वर अब बाइबल के अनुसार हम लोग को सिखाने मांगते हैं, सब कुछ. नहीं, मेरा डैड बोला चीज़ कभी खरीदे नहीं था, हम नहीं खरीदे हैं, नहीं खरीदो. नहीं, मेरी मम्मी तो वो सब चीज़ मैं नहीं खर्च करती थी, तुम करो. नहीं नहीं, ये तो खरीदना ही है. मेरे डैड हमको बोले, हमेशा यही वाला यूज़ करो, यही ब्रांड का यूज़ करो, बहुत अच्छा है. नहीं, तुम सस्ता वाला यूज़ करो. सब कुछ में परमेश्वर को चेंज लाने का इजाज़त दीजिए. सब कुछ में कोई भी चीज़ मत छोड़िए, कोई भी चीज़ मत छोड़िए. सब कुछ को परमेश्वर के सामने रख दीजिए. यू नो, एक परमेश्वर के एक दास
बहुत सारे चर्चेज एस्टैब्लिश किए. एंड ही सेड कि पहले वो बहुत सारा बहुत खर्च करते थे क्रिश्चियन बुक्स पे, जितना पढ़ते नहीं थे उससे ज़्यादा. इट वॉज कलेक्शन एंड यू नो हिट अ बिग लाइब्रेरी, लॉट्स ऑफ बुक्स, लॉट्स ऑफ बुक्स. नाउ इफ यू रीड इट इज़ वेरी गुड, राइट, लेकिन इट वॉज जस्ट कलेक्शन. एंड देन गॉड सेड स्टॉप इट, तुम पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ने में इतना समय दे रहे हो बस, एंड बस कलेक्शन कलेक्शन और बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो. गॉड सेड स्टॉप इट, स्टॉप इट. तब वहाँ पे सरेंडर किया. देन गॉड टोल्ड हिम, तुमको ऑफरिंग में एक लेडी एक रिंग दी थी, ऑफरिंग बैग में डायमंड रिंग था, वो ये लेडी है, उसको कॉल करके वापस दो. उसको लगा शैतान का आवाज़ था, ऑफरिंग थोड़ी लौटाया जाता है. तब वो कॉल जब किया उस लेडी को, उसको पता चला कि उसका हस्बैंड का डेथ के बाद वो आखिरी चीज़ था जो उसके लिए इतना वैल्यूबल था, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन हर होल लाइफ. एंड शी वॉन्टेड टू गिव इट टू द लॉर्ड एंड गॉड वॉन्टेड टू गिव इट बैक टू हर. देन गॉड टोल्ड, वो वाला साबुन क्यों यूज़ करते हो तुम, ये वाला यूज़ करो, ये वाला क्यों यूज़ करते हो, वो वाला यूज़ करो. एंड एक एक चीज़ में यू नो ही स्टार्टेड चेंजिंग एंड गॉड यूज्ड हिम टू एस्टैब्लिश थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चर्चेस, हज़ारों कलीसिया. थिंग इज, क्या हम लोग सरेंडर कर सकते हैं, क्या हम लोग इतना खुद को जांचने के लिए तैयार रहेंगे? अगर जांचने के लिए तैयार रहेंगे, हम लोग किसी और को जांचना नहीं है, किसी और का बाथरूम घुस के किसी का साबुन को नहीं जांचने का जरूरत है, राइट, किसी और को जांचने का जरूरत नहीं, हम लोग खुद को जांचना है. लॉर्ड एवरीथिंग, स्पिरिचुअल मैन जजेस ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स, यू नो दैट इज द पर्सन गॉड कैन यूज. नॉट कि गॉड ओनली यूजेज दोज पीपल जो लोग लाइफ बॉय का साबुन से नहाते हैं, दैट इज नॉट वॉट गॉड इज सेइंग. बट गॉड इज सेइंग परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करेंगे जो सब कुछ को जांचता है, सब कुछ को जांचता है. उस व्यक्ति से परमेश्वर बातें कर सकते हैं, यू नो, एंड यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड. दैट्स द बेस्ट थिंग, यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड. क्योंकि सबसे स्ट्रिक्टेस्ट जजमेंट, क्योंकि हम लोग को लगता है अरे बाप रे गॉड हम लोग को ऐसे एक एक चीज में जज करेंगे, इट्स टू स्ट्रिक्ट. लुक एट द क्रॉस, सबसे स्ट्रिक्टेस्ट जजमेंट क्रूस पे ऑलरेडी आ गया है एंड सेटिस्फाई हो गया है. वो जजमेंट उतना स्ट्रिक्ट हम लोग के ऊपर नहीं होंगे क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी हो गए. इनफैक्ट यू नो क्या लिखा हुआ है लेवी व्यवस्था में, लेवी व्यवस्था में लिखा हुआ है वेदी के ऊपर पहले, इट इज़ द सिन ऑफ, नॉट द ट्रेसपास, नॉट द ट्रेसपास, बट पहले जो अटोनमेंट वाला ऑफरिंग था, जो पाप का जो बलि था वो चढ़ाया जाता है, राइट, जो उसके ऊपर द बर्नट ऑफरिंग वुड बी डन. ऑन टॉप ऑफ दैट द पीस और द हाँ ऑल द पीस ऑफरिंग हुआ, द ट्रेसपास ऑफरिंग, कोई भी दूसरा ऑफरिंग, फ्रीविल ऑफरिंग, इट वुड ऑल बी ऑन टॉप ऑफ द फर्स्ट ऑफरिंग जो पूरा इसराइल के लिए चढ़ाया जाता. एंड पहला ऑफरिंग, हम लोग जब वेदी के पास आते हैं और हम लोग देख रहे हैं अपना मेरा बकरी मरने वाला है, इफ़ यू लुक वेदी के ऊपर ऑलरेडी तो बड़ा सा, सबसे बड़ा सैक्रीफाइस ऑलरेडी मार दिया गया वहाँ पे, यीशु मसीह, उसके ऊपर ही हम लोग का सैक्रीफाइस. गॉड विल नेवर डिमांड एनी थिंग फ्रॉम अस जो वो लोग उस जो उससे कई गुना ज़्यादा वो खुद नहीं दिया है. एंड इनफैक्ट हम लोग को तो इतना भी बोला गया है हम लोग देंगे और तुमको दिया जाएगा. वाई? गॉड वॉन्ट्स टू टेस्ट अस. हम लोग का मुट्ठी खुला रहेगा या बंद रहेगा, और अगर हम लोग का मुट्ठी खुला रहे कि हम लोग उनके अनुसार, उनके अनुसार, उनके अनुसार कैसा है, दायां हाथ को जानने मत दो बायां कैसा दे रहा है, प्रेरितों के पैर पर रख दो. अजीब अजीब तरीका है, अजीब अजीब अद्भुत तरीका है. इट्स वेरी, हम लोग का अलग अलग कहीं ना कहीं कुछ कुछ स्ट्रॉन्गहोल्ड जिसको परमेश्वर यू नो वैसा हम लोग को, हम लोग देखेंगे हम लोग के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, हम लोग के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. इट विल बी अमेजिंग. बेस्ट चीज़ है कि हम लोग हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का आवाज़ सुरही जैसा सुन पाएंगे. चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे. पिता परमेश्वर, हम लोग आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के लिए प्रभु, आपकी आत्मा के लिए प्रभु, जो हमेशा हमसे बातें करने के लिए, हमें सिखाने के लिए तैयार है. प्रभु हमें मदद कीजिए कि हम लोग अपने आप को आपके सामने लाए प्रभु, जाँचने के लिए प्रभु. प्रभु आपका प्रेम हम लोग के लिए काफ़ी है.
धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु कि वो वेदी कभी खाली नहीं हो सकता है प्रभु, पहले इस बात के लिए क्योंकि वहाँ उसके ऊपर आपका लहू है प्रभु। लेकिन प्रभु हम लोग चाहते हैं कि प्रभु हम लोग भी पार्टिसिपेट करें प्रभु आपका सेवा में, कि हमारा जो आपने हमें इतना दिया है उसका भी बलिदान हो। प्रभु हमें मदद कीजिए प्रभु, समय को, धन को या कोई भी चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके प्रभु हम लोग और भी अपने आप को समर्पित करें, अपना मन को, हर एक चीज़ को हम लोग जाँचें, अपने जाँचने वाला हृदय को भी हम लोग जाँचें, सब कुछ खोजें। धन्यवाद पिता, हम आत्मा के अनुसार चलने मांगते हैं, परिपक्व होने मांगते हैं, मसीह में बस बालक नहीं होने मांगते हैं, क्योंकि आपने हमें इतना दिया, इतना देखभाल किया कि अब समय हो गया है कि हम सब बढ़े प्रभु। धन्यवाद पिता, आपका लोग यहाँ पे हर एक पे छिड़कते, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन।